सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो किसी भी देश की नेवी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे चलते फिरते किसी मिलिट्री बेस से कम नहीं होते हैं। लेकिन बस कंडीशन यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो जमीन पर नहीं चल सकते हैं, वो केवल समुद्र में ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र से तो ऑपरेट हो ही सकें लेकिन उनमें हवा में उड़ने की कैपेबिलिटी भी मौजूद हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी भी एयरक्राफ्ट में होती है। हालांकि सुनने में तो ये एक फालतू सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश पहले की जा चुकी है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये वाकई में पॉसिबल है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप उनमें से हैं जो साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं और खास करके हॉलीवुड की, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपने हॉलीवुड की एक बेहद ही मशहूर अवेंजर्स नाम की मूवी जरूर देखी होगी और इसी मूवी में एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर वाला कॉन्सेप्ट दिखाई दिया है जिसे हेली कैरियर का नाम दिया गया था। खैर ये तो बात होगी मूवी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियलिटी में भी लेट 1920 में US नेवी ने ऐसे ही दो बड़ी एयरशिप्स का निर्माण कार्य शुरू किया था ताकि वो किसी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका निभा सके, और इन दोनों बड़ी एयरशिप्स के नाम थे USS मैकॉन और USS एकरन। हालांकि इन दोनों एयरशिप्स में किसी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए रनवे मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों एयरशिप में लाइट वेट कर्टिस F-9C स्पैरो हॉक बाईप्लेन फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करने की कैपेबिलिटी थी, और इन प्लेन को इस एयरशिप से हुक सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया जाता था और उसी के माध्यम से एयरक्राफ्ट रिकवर भी होते थे। और उस समय के हिसाब से दोनों एयरशिप काफी अच्छी थी और काफी ज्यादा फायदेमंद भी थी, और यहाँ तक कि उस समय मौजूद किसी भी अन्य शिप की तुलना में इनकी रफ्तार भी दोगुना थी। लेकिन जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज का प्लस दिख रहा है तो उसमें कुछ न कुछ माइनस भी जरूर होगा, यानी कि अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका कुछ न कुछ नुकसान भी होता ही है। तो इसीलिए इन दोनों एयरशिप में जहाँ एक तरफ कुछ फायदे थे तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे इश्यूज भी थे। जैसे कि मान लीजिए अगर मौसम काफी खराब है तो ऐसे खराब मौसम में इस एयरशिप को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता था, और जबकि अप्रैल 1933 में जो USS एकरन था वह अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रैश भी हुआ था जिसमें अनफॉर्चुनेटली करीब 73 लोगों की जान भी गई थी, और जबकि USS मैकॉन भी USS एकरन के क्रैश के करीब 2 साल बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और फिर इन दोनों एयरशिप की दुर्घटनाओं के बाद ही US नेवी ने एक बार फिर से अपने इस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर वाले आइडिया पर विचार किया, लेकिन फिर कई सारे कारणों की वजह से उनका ये जो प्रोग्राम था ये अपनी उस रफ्तार को हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद पहले की गई थी। लेकिन फिर इसके बाद जब कोल्ड वॉर का समय आया तो उस समय US एयरफोर्स ने अपना एक नया आइडिया का प्रस्ताव पेश किया, और जिसमें रिपब्लिक F-84 पैरासाइट फाइटर को B-36 पीसमेकर न्यूक्लियर बॉम्बर से लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी ताकि उसे रिकॉनसेंस मिशंस में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो नया आइडिया था ये भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और इसमें भी काफी एडवांस टेक की जरूरत थी। हालांकि इसके बाद बोइंग 747 को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था ताकि वो अपने अंदर करीब 10 से 12 स्मॉल फाइटर जेट्स को कैरी कर सके, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आसमान में उड़ता हुआ फ्लाइंग हैंगर था। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी ज्यादा कामयाब नहीं रहा था, और जबकि 1960s में सोवियत यूनियन ने भी एक इसी तरह के मिलते जुलते आइडिया पर काम किया था जिस पर उन्होंने कैस्पियन सी मॉन्स्टर नाम का एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल विकसित किया था। हालांकि इसकी एक ही यूनिट बनाई गई थी और 1980 में इसे रिटायर कर दिया गया था, लेकिन जब तक ये अपनी सर्विस में मौजूद था तब उस समय तक दुनिया में इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बना था, और इस एयरक्राफ्ट की जो प्राइमरी यूजर थी वो थी सोवियत नेवी। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ ना लगे तो इसलिए 1980 में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में भी कमियां थी, और सबसे बड़ी कमी तो उसकी ये थी कि ये ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था, यानी कि दुश्मन के लिए ये एक बेहद ही आसान टारगेट था। और फिर बाद में भी ऐसे और भी कई सारे आइडिया सामने आए थे, लेकिन एक फ्लाइंग कैरियर बनाने वाले सारे आइडिया कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सके और वो केवल एक आइडिया ही बन के रह गए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइडियाज थे ये रियलिटी इसलिए भी नहीं बन पाए होंगे क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी जरूरत है भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं जो हवा में उड़ान भर सकता है, तो सबसे पहली बात तो उसका साइज ही इतना बड़ा होगा कि उसे दुश्मन बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इतनी बड़ी मशीन को मेंटेन करने में जो कीमत लगेगी उस कीमत को अफोर्ड करना तो अमेरिका जैसे देश के लिए भी भारी पड़ेगा,
और जिस तरह समुद्र में ऑपरेट होते समय एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए उसके चारों तरफ अलग अलग वॉरशिप्स तैनात रहती हैं, उसी तरह मान लीजिए अगर आसमान में उस एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित रखने के लिए आप उसके चारों तरफ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसके बावजूद भी वो एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट होगा और उसके चारों तरफ जो फाइटर एयरक्राफ्ट उसकी सुरक्षा के लिए रहेंगे उसकी जो कीमत आएगी वो भी कम नहीं होगी। तो अगर इन सारे रीजंस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो जो ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर वाला कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इसे करना बेहद मुश्किल है। और अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाता है जो आसमान में भी उड़ान भरने की कैपेबिलिटी रखता हो तो भी उसको बनाने में और उसको मेंटेन करने में जो लागत आएगी हमें नहीं लगता है कि वो लागत पूरी तरीके से वसूल हो सकेगी। हाँ, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आप अपने हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्कुल ही इनविजिबल कर दो, यानी कि दुश्मन ना तो उसे अपनी आंखों से देख पाए और ना ही अपनी रडार्स के माध्यम से, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एवेंजर मूवी में दिखाया गया है। पर हम सभी जानते हैं कि फिलहाल तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि क्या पता भविष्य में हमें वाकई में ऐसी कोई एडवांस मशीन देखने को मिल जाए। और अगर ऐसी कोई मशीन वाकई में बन जाती है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यह सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगी। लेकिन अगर आप वर्तमान समय की मौजूदा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखेंगे तो अभी तो इस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, हम बस ये कह रहे हैं कि मुश्किल है और उससे भी ऊपर कि अभी एक्चुअल में इस तरह की मशीन की जरूरत है भी नहीं, बल्कि इसके बदले आप छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बाकी इस एपिसोड में हमने आपको जो बताया है उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश हुआ है, आप जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और उस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।